नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर बलदिराय के पारा बाजार से सैकड़ों कांवरियों का जत्था कस्बा के व बलदिराय एसौली रोड पर स्थित बजरंगबली मंदिर परियाजा के साथ डीजे के धुन पर भक्ति गीतों पर थिरकते हुए पहुंचकर मत्था टेकते हुए पूजन अर्चन करने के उपरांत पारा चौराहे पर पहुंचकर सभी कांवरियां सामूहिक भोलेनाथ बाबा के जयकारे लगाने के साथ बल्लीपुर प्रसिद्ध धाम जंगली नाथन पहुंचे। वहां पर मत्था टेकने के क्रम में सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के लिए सभी कांवरियां निजी वाहन से चल दिए। वहीं दौरान प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। झारखंड बाबा बैजनाथ धाम सुल्तानगंज के लिए कांवरियां सूरज गुप्ता, लवकुश अग्ररी, आलोक वर्मा, हृदय राम मौर्य, निखिल अग्ररी, शिव कुमार, शुभम अग्ररी, मुकेश गुप्ता, शिवम साहू, मनसाराम गुप्ता, संतोष यादव, राहुल भारती, रमेश बाबा सहित सैकड़ों कांवरिया के विदाई के अवसर पर एसडीएम बलदिराय विदुषी सिंह, सीओ रमेश, नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, थानाध्यक्ष बलदिराय अमरेंद्र सिंह, पारा बाजार चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर सोनकर, देहली चौकी इंचार्ज हरीश चंद्र, वलीपुर चौकी इंचार्ज राकेश ओझा व स्थानीय जिला पंचायत सदस्य बद्रीनाथ यादव, पारा बाजार के पूर्व प्रधान एवं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष महेश जायसवाल, ननकाऊ साहू, अंजनी विश्वकर्मा, कृष्ण राम अग्ररी, विशाल जायसवाल, राजेश मौर्य, उमेश अग्ररी, रितेश अग्ररी, मानिक लाल, विजय सोनी, जगन्नाथ यादव, राजधर शुक्ला, शिव कुमार, राम कुमार मौर्य, संदीप जायसवाल, अमरनाथ कनौजिया, घनश्याम चौबे आदि के अतिरिक्त भारी तादाद में दर्शक गण लोग रहे मौजूद। राजदेव यादव की रिपोर्ट। आज पारा बाजार सुल्तानपुर के लिए गाड़ी द्वारा वहाँ से ट्रेन मिलेगी, वहाँ ट्रेन से सब लोग चक्का होकर बैठेंगे। सुल्तानगंज के लिए निकलेंगे। वहाँ पर हम लोग जल उठाएंगे सुल्तानगंज से। जल उठाने के बाद पैदल यात्रा करते हुए बाबा धाम, बाबा बैजनाथ धाम वहाँ के लिए पधारेंगे। वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद फिर वहाँ से भी बस बाबा बासुकीनाथ के लिए निकलेंगे। वहाँ पर पहुँचने के बाद जल चढ़ाएंगे। आप कितने साल से जो है? टिकट तो 3-4 वर्षों से हम लोग जा रहे हैं, बाकी तो और काफ़ी दिनों से जा रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ पारा बाजार से लगभग कितने लोग जा रहे हैं? लगभग यहाँ से 50-60 लोग 70 लोग ऐसे जाते हैं हर साल। तो आप लोग टिकट करवाए हैं या ट्रेन व्यवस्था? सरकार की व्यवस्था से। अच्छा, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।